हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि किचन गया था पुलिस स्टेशन में। वो इली के बारे में पूछ रहा था कि उस लड़की का क्या होगा। एक्चुअली में इली भागी नहीं थी, पर उसने इस बार सरेंडर कर दिया था। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि उस लड़की को एजेंसी भेजा जाएगा, फिर वहाँ से उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ईजी के कैफे की आज ओपनिंग थी, तो वहाँ पर ये सारे लोग आए थे। मिसेस किम कहीं पर जा रही थी, तो मांगू कहता है कि आप कहाँ जा रही है। तो मिसेस किम उसे कहती है कि मुझे इंजा नाम की सहेली से मिलने के लिए जाना है। वो तो बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है, पर मांगू समझ जाता है कि ये इंजा नहीं पर इक्की है। वो मिसेस किम को देखने बाहर जाता है, तो मिसेस किम सच में इक्की के साथ थी। वो उसके पीछे भागता है, ये दोनों भी भाग रहे थे उससे बचकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगी को सीईओ का कॉल आता है। वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर योग खुश नहीं था। उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। जिस पॉलिटिशियन ने पैसे चुरा कर मिंगी के खेत में छुपाए थे, उस पॉलिटिशियन को अब कोमा से होश आ गया है। ये तीनों लोग तो गए थे सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ये तीनों तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद यूना से सीईओ कहता है कि तुम जैसा चाहती थी वैसा मैंने कर दिया। मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। योक ने उन दोनों की सारी बातों को सुन लिया था। योक अंदर आता है, कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम बेशर्म आदमी हो, मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर ही फाड़ देता है। सीईओ कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, तो योक कहता है कि अपनी सड़ी हुई जबान को बंद रखो। योक वहां से जा रहा था, यूना उसके पीछे आती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो योग कहता है कि तुम भी अभी तक नहीं बदली हो, वैसे की वैसी ही हो। तुम्हें जो चाहिए होता है उस चीज़ को पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मिंगी आजकल यूनही के क्लोज आ रहा है, तो ये तुमसे देखा नहीं गया और तुमने ये सब कुछ कर दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सीलेंट सोल का आज डेब्यू होने वाला था। योग को सीईओ का ऑफिस देखना था, वो क्यूरियोसिटी के कारण अंदर चला जाता है, पर उसे आवाज़ आती है कि अंदर कोई आ रहा है, तो वो टेबल के नीचे छुप जाता है। वहाँ यूना एंड सीईओ आते हैं। सीईओ उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी ना, तो वो मना करती है। तो सीईओ कहता है कि तुम्हें अपना एल्बम रिलीज करवाना है ना, तो तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। वो उसे गलत जगह टच कर रहा था, तो योग से देखा नहीं चाहता एंड वो सीईओ को मारता हुआ बाहर तक लाता है। योग कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है कि उस दिन के बारे में मैं बस राज ही रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, पर अगर मिंगी को ये बात पता लग गई तो। यूना कहती है कि प्लीज उसे मत बताना, पर मिंगी ने तो इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मिंगी सीधा जाता है सीईओ के पास एंड उसे मारता है। वो कहता है कि योग ने मारा वो तो कम था, तुम्हें तो और मार पड़नी चाहिए। सीईओ कहता है कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, यूना ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डेब्यू करूं, तो वो कुछ भी करने को तैयार है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मिंगी कहता है कि यूना क्या ये सच है, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मिंगी कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद मिंगी योग से माफ़ी मांग रहा था। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी वजह से हम लोग डेब्यू नहीं कर पाए, पर बात तो कुछ और ही थी। मिंगी आज इतना सैड था कि वो ये तक कह देता है कि उसे अब म्यूज़िक पर से गिव अप करना है, पर तभी ही किचन वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें अपना एल्बम रिलीज़ करना है। तभी ही वहाँ पर यूनही आती है। यूनही कहती है कि तुम्हारे कैबेज बिक नहीं रहे हैं ना, तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सॉल्टेड कैबेज बेचे, क्योंकि सॉल्टेड कैबेज का भाव बहुत ही ज्यादा है। आगे सभी लोग सॉल्टेड कैबेज बना रहे थे। वहाँ पर मांगू भी था। मांगू कहता है कि मेरी माँ प्यार में पागल हो गई है, तो कोई कहता है कि उसे जाने भी दो, जिस तरह से वो लोग जी रहे हैं उसमें वो खुश है, तो उन्हें तुम खुश रहने दो ना। यूना मिंगी से मिलने के लिए गाँव आई थी। यूना उसे कहती है कि यूनही की और तुम्हारी चिंता बढ़ती ही जा रही थी, तुम उसे धीरे धीरे पसंद करने लगे थे, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये सब कुछ कर दिया। यूना मिंगी को लास्ट गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात में मिंगी कुछ ख्यालों में डूबा हुआ था। वो अब समझ जाता है कि वो यूनही को पसंद करता है। तभी ही वहाँ पर यूनही आती है। दूर से उन दोनों को इस तरह से योक देख लेता है। योग को भी पता लग जाता है कि अब उसकी यहाँ पर कोई भी दाल नहीं गलने वाली। अगले दिन इन चारों के साथ संगयुन एक वीडियो बना रही थी, पर तभी ही वहाँ पर वो पॉलिटिशियन गन लेकर आ जाता है। कहता है कि जल्दी से इस जगह को खोदो। जैसे ही पैसे मिलते हैं, तभी ही वहाँ पर असली पैसों का मालिक आ जाता है। वो पैसे तो ले जाता है, साथ में इन सभी को किडनैप भी कर लेता है।
जब ये लोग जा रहे थे तो सामने से मांगू निकलता है। मांगू इन्हें टेक ओवर करने नहीं दे रहा था, तो इसी बात में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब वो बॉडीगार्ड मांगू को भी किडनैप कर लेता है। जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर संदूक पीकर पड़ा हुआ मिलता है। ये लोग संदूक की बॉडी को साइड में हटा रहे थे, पर ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि तुम ये मेरे ग्रैंडसन के साथ क्या कर रहे हो। तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि ग्रैंडपा आप हटिए यहाँ से, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। पर तभी ही ग्रैंडपा की चोकोबार नीचे गिर जाती है। अब तो ग्रैंडपा का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। ग्रैंडपा तो उसे एक ही छटके में ढेर कर देते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन सारे महाजन को उठाकर ले जाती है। हांचुल को सोयन के बारे में अब सब कुछ पता लग गया था। वो कहता है कि तुम यहाँ पर पैसों की वजह से आई हो, तुम्हें क्या स्वीट पोटैटो पसंद नहीं है? और तुम जो मुझे पसंद करती थी वो भी क्या एक नाटक था? तो वो कहती है कि सॉरी। हांचुल तो रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो सोयन कहती है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स रियल थी। पर हांचुल तो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर से सोयन को पता लग है कि उसे लास्ट स्टेज का लीवर कैंसर है। सुयन कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें लीवर कैंसर है, तुमने भी अब मुझसे झूठ बोला है। संगयुन वीडियो देख रही थी। एक्चुअली में उसने उस सारे इंसिडेंट की वीडियो ले ली थी। तो अब वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन को कॉल करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, जहां पर उस पॉलिटिशियन का पर्दा सारी जनता के सामने फाश हो गया था। तभी ही मिंगी को कोई इंटरव्यू के लिए बुलाता है। मिंगी कहता है कि हम यहाँ पर अपनी सॉल्टेड कैबेज बेचेंगे। किचुन कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। संगयुन कहती है कि तुम्हें अपने एल्बम के बारे में सोचना चाहिए। आगे इनका एक इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी कैबेज का प्रमोशन कर रहे थे। वहाँ पर कोई एजेंट आता है एंड वो मिंगी से कहता है कि हमारी कंपनी तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। किचुन कहता है कि मुझे पिंच करो, क्या ये कोई सपना तो नहीं है ना? हांचुल बिचारे को लगता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो जल्दी ही स्वर्ग सिधर जाएगा। तो वो अपना मुंडन करवा लेता है। पर तभी ही डॉक्टर उसे ढूंढता हुआ आता है और कहता है कि गजब हो गया, जादू हो गया है। सुयन एंड हांचुल उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें जो लिवर कैंसर था वो अचानक से ही ठीक हो गया। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे थे? तो हांचुल कहता है कि मैं कैबेज उगाने गांव गया था। तो वो कहते हैं कि तुमने क्या खाया? तो हांचुल कहता है कि मैंने सिर्फ कैबेज ही खाई। डॉक्टर कहता है कि गांव के पॉल्यूशन फ्री वातावरण में रहने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हांचुल कहता है कि इस कैबेज ने मुझे बचा लिया, पर उसे अचानक से ही याद आता है कि उसने तो अपना टकला करवा लिया। आज फिर से यहां पर सुयन उसे किस करती है, पर हांचुल जैसी किस चाहता था वैसी करती है। जब हांचुल घर वापस आता है तो वो कहता है कि किचुन ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो किचुन कहता है कि हे भगवान ये फिर से शुरू हो गया। पर जब किचुन को ये पता लगता है कि हांचुल का टकला हो गया है तो वो उसे डांटने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा एल्बम रिलीज होने वाला है और तुमने अपना मुंडन करवा लिया, हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यूनही का एक्स बॉयफ्रेंड यूनही के पास आकर उसे एक चांस मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा और मिनहो का ध्यान रख लूँगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। यूनही उसे कुछ नहीं कहती। तो वो अगले दिन भी आ जाता है। वो तो मिनहो के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहा था। यूनही उसे कहती है कि तुम ऐसा करना कब बंद करोगे? तो वो कहता है कि जब तक तुम मान नहीं जाती तब तक मैं आता ही रहूँगा। पर देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं अगले महीने एब्रॉड जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। यूनही कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदले, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मिनहो का ध्यान मैं अकेले रख लूंगी। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है तो तुम मेरी वजह से बर्बाद मत करो। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग वहां से जा रहे थे सोल। मिंगी मिनहो एंड यूनही से कहता है कि मैं तुम दोनों को विजिट करने के लिए आता रहूंगा। सारे गांव वाले थे पर मांगू नहीं था, पर अचानक से ही मांगू कार लेकर आता है। वो मिंगी से कहता है कि मुझे ये खटारा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो, मैं कोई और नई अच्छी खरीद लूंगा। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। इनका एल्बम अच्छी तरीके से रिलीज हो जाता है। यूनही मिनहो को लेकर सोल आई थी, पर उन्हें मिंगी से मिलने का मौका नहीं मिलता तो वो उसे ऐसे ही लेकर जाने लगती है। वो बस में बैठी थी पर मिंगी ने उसे दूर से जाते हुए देख लिया था, तो वो उसके पास आता है एंड बस के शीशे में लिखता है कि मिंगी लव्स यूनही।
ये देखकर यूनही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंगी और यूनही लड़ रहे थे। यूनही कहती है कि तुम्हारा पहला एल्बम फ्लॉप हो गया, अब तुम कुछ काम भी नहीं करते हो, ऐसे तो कैसे चलेगा। किचन चला गया था इली के सिटी में, वहाँ पर वो इली की तरह इलीगल एलियन बनकर रह रहा था। योक अब डॉक्टर बन चुका था। वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। योक उसे कहता है कि आपने चोकोबार खाना बंद कर दीजिए वरना आपकी तबीयत ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा पर चोकोबार खाना बंद नहीं करूंगा। यूनवू कहती है कि अगर वो चोकोबार खाना बंद नहीं करेंगे तो मुझे बादाम कैसे मिलेंगी। ये सभी लोग उसकी ओर ध्यान से देखते हैं। मियांग कहती है कि तुम दादाजी की दी हुई बादाम आगे से नहीं खाओगी। संदूक कहता है कि अपने डैड से वादा करो कि तुम आगे से बादाम नहीं खाओगी। यानी कि मियांग और संदूक की भी शादी हो चुकी थी। फिर हम हांचल एंड सुयन को देखते हैं, वो लोग अभी डेट कर रहे थे। मिंगी को घर में सारे लोग ताने दे रहे थे कि ये कुछ काम नहीं करता और घर में बस ऐसे ही पड़ा रहता है, ऊपर से खाने में भी इसे वैरायटी चाहिए। मिंगी कहता है कि मैं अपना दूसरा एल्बम रिलीज करके पैसे कमा लूंगा। तभी ही टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि टूना का भाव आजकल बढ़ता जा रहा है। मिंगी हवा में आंकड़ा लगाता है, कहता है कि अगर मैं बहुत सारी टूना फिश पकड़कर उसे बेच दूं तो मेरे पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि मैं अपना सेकेंड एल्बम रिलीज कर सकूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों बोट में होते हैं एंड टूना पकड़ रहे थे। सो इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। इन चारों की जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप अपने बताओ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।